हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रेयास लाइफस्टाइल। एंड आज इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ ये लुक शेयर करूँगी जो आप कर सकते हैं दिवाली पे। एंड अगर आपको ये लुक अच्छा लग रहा हो देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। एंड या आप में से बहुत कोई है जो मेरा वीडियो तो देखते हैं बट सब्सक्राइब करना भूल जाते। सो अगर आप अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए देन प्लीज़ स्टॉप देयर एंड पहले सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन एंड देन कंटिन्यू वॉचिंग। गाइज़, दिवाली लुक बहुत ग्लोइंग अच्छा लगता है। सो मैंने यहाँ पे फेस शॉप का चिया सीड रेंज से फेस लोशन एंड अनलॉक मिक्सीफाई का सीरम दोनों एक साथ मिक्स करके अप्लाई कर लिया है। एंड देन मैं यूज़ कर रही हूँ स्मैशबॉक्स फोटो फिनिश प्राइमर क्योंकि ये बहुत एक ल्यूमिनस ग्लो देता है फेस में। देन मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन फिट मी पोरलेस फाउंडेशन एंड स्विस ब्यूटी का पर्ल प्राइमर। दोनों को एक साथ मिला के मैं इसे यूज़ करूँगी। इससे बहुत ही एक अच्छा सा बेस क्रिएट होता है। एंड गाइज़, अगर बेस अच्छा हो देन जो मेकअप आप यूज़ करोगे वो ऑलरेडी अच्छा तरीके से बैठ जाएगा फेस में। एंड देन मैं अपना वेट एंड वाइल्ड का ब्रश से मैं अपना फेस को ब्लेंड कर लूँगी। आप लोग बहुत कोई होते हो जो मुझे पूछते रहते हो कि कौन सा ब्रश मैंने यूज़ किया है, सो मैं आपसे मेंशन कर दूँगी। एंड मेक श्योर कि आप जस्ट डैबिंग मोशन में करो एंड ऑल्सो जस्ट स्मॉल स्मॉल स्ट्रोक्स लो डाउनवर्ड की तरफ, क्योंकि आप ब्रश से कर रहे हो तो अपवर्ड स्ट्रोक्स करने से चांसेस रहता है दिखने का। देन मैं यहाँ पे मेबेलिन का फिट मी कंसीलर यूज़ कर लूँगी जहाँ जहाँ मुझे रिक्वायरमेंट्स है, ओनली स्पॉट्स एंड जहाँ जहाँ नॉर्मली रिक्वायरमेंट्स रहता ही है उधर। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू यूज़ कंसीलर ऑन योर क्यूपिड्स बो बिकॉज उधर आप हाईलाइटर भी यूज़ करोगे। एंड गाइस, सेंटर ऑफ द फेस को ऑलवेज़ अच्छा से ब्लेंड करो एंड फाउंडेशन एंड कंसीलर लगाओ बिकॉज अल्टीमेटली लोग जो है ना वो देखेंगे हम लोग का सेंटर ऑफ द फेस को ही रादर देन साइड्स। ऑब्वियसली साइड्स भी हम लोग को अच्छा से करना होगा बट सेंटर ऑफ द फेस को भी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देन मैं अपना आई का बेस भी इसी से क्रिएट करूँगी फिट मी का कंसीलर से ही। एंड देन यहाँ पर मैं जो ब्रश यूज़ करी हूँ ये है रियल टेक्निक्स का। देन गाइज, मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ मेरे आईब्रोज से। सो मैं यहाँ पे ली हूँ एट्यूड हाउस का आईब्रो पेंसिल। ये आईब्रो पेंसिल बहुत ही पोर्टेबल है एंड कन्वीनियंट भी लगता है मुझे बिकॉज इसमें ऑलरेडी एक ही एप्लीकेटर में आ जाता है दोनों चीज़, दैट इज़ द स्पूली एंड द पेंसिल। तो एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है फॉर बिगिनर्स एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज यू पीपल नो दैट मुझे उतना भी डार्क आईब्रो अच्छे नहीं लगते। सो ये बहुत बिल्डेबल कवरेज दे देता है आपको, आप यूज़ कर सकते हो इसे। बट गाइज, ऑलवेज मेक श्योर कि आईब्रो को तो अपने हिसाब से कीजिएगा। सबका फेस में सब टाइप का आईब्रो शेप नहीं जाता, मेरे फेस में ऐसी आर्क आईब्रो शेप जाता है। सो आप अपने फेस के हिसाब से कीजिएगा। मैं सेम कंसीलर से मेरे आईब्रोज को थोड़ा शेप दे दूंगी, इससे बहुत क्लीन कट शेप दिखता है एंड बहुत टाइडी भी लगता है, नीट एंड टाइडी। एंड देन मैं यहाँ पे रियल टेक्निक्स का फाउंडेशन ब्रश से थोड़ा सा मैं स्प्रेड कर लूँगी बिकॉज इसमें बहुत क्लीन कट चाहिएगा। सो ऐसे ही अच्छा लगेगा। आप चाहो तो स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से भी कर सकते हो जो एकदम फ्लैट टॉप होता है, अच्छा लगता है उससे। दोनों को मैं सेम तरीके से ही मैं कर लूँगी। देन यहाँ पे मैं मेरा फेवरेट मेबेलिन का लूज फिनिशिंग पाउडर अप्लाई कर लूँगी अपने अंडर आइज़ में एंड ऑल्सो ऑल ओवर द फेस थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई कर लूँगी। इससे बहुत एक ब्लरी इफेक्ट देता है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। देन मैं आई शेडो के लिए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्यूटी ग्लेज का कलर बोर्ड पैलेट। यहाँ से मैं एक पिंकिश कलर ले रही हूँ बिकॉज मैं जो साड़ी वेयर करने वाली हूँ इज़ ब्लैक एंड पिंक। सो पिंक का थोड़ा टच भी है। यहाँ पर मैं सेम वही कट ट्रीज करूँगी। ये ट्रिक मुझे बहुत अच्छा लगता है कट क्रिस्प करने के लिए। अगर आपको भी अच्छा लगता है देन प्लीज़ लेट मी नो, अगर किसी भी तरह से आपको मैं हेल्प की हूँ ये ट्रिक बता के। एंड मेक श्योर आप कट क्रिस्प करो तो एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से आप उसे ब्लेंड कर लो, जिस पैट कर लो तो अच्छा लगेगा। एंड देन मैं अपने आउटर व्यू में थोड़ा डार्क पिंक के शेड लगा रही हूँ। देन गाइज यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी वेट एंड वाइल्ड का कोल पेंसिल, इससे मैं स्मोकी इफेक्ट भी दूँगी। सो यहाँ पे मैं एक ब्लैक स्मोकी आइज बनाऊँगी बेस से। सो ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज मेरा आइज उतना भी ज़्यादा बिग नहीं है, सो आई फाइंड इट ईजी टू ब्लेंड। एंड देन मैं एक ब्लैक आई शैडो के हेल्प से इस काजल को पूरा पूरी ब्लेंड कर लूँगी एंड ऑल्सो सेट कर लूँगी, जैसे आप देख सकते हो। ये बहुत ही ईजी तरीका होता है। एज इट इज़ अ ग्लैम लुक गाइस, तो ग्लिटर तो यूज़ करना ही था। सो मैंने यहाँ पे सिल्वर ग्लिटर यूज़ किया है, वही सेम ब्यूटी ग्लेज का कलर बोर्ड आई शेडो पैलेट से। एंड ग्लिटर का क्वालिटी इज़ वेरी गुड, जितना आप अपने फिंगर्स में लोगे उतना ही ट्रांसफ़र हो जाएगा आइज़ में भी। सो इट इज़ रियली गुड एंड आई रिकमेंड एवरी वन टू गिव अ ट्राई टू दिस पैलेट। एंड मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, सो मेक श्योर आप एक बार जाओ चेक करो, अगर अच्छा लगे देन डू परचेज इट। एंड या देन मैं वही सेम ब्लैक आई शेडो को थोड़ा अपने आइज़ के बाहर की तरफ मैं स्प्रेड कर रही हूँ। इससे एक बहुत ही अच्छा स्मोकी इफेक्ट आता है जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड आई को बहुत ज़्यादा डिफाइन करता है। आफ्टर दैट गाइज मैं एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश से मैं आइज़ को ब्लेंड कर लूँगी थोड़ा, सो दैट कोई भी हार्श लाइन्स ना दिखे। एंड देन मैं यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ फॉल्सीज फ्रॉम एडल ब्यूटी। देन मैं लोअर लिड में भी अप्लाई कर रही हूँ आई शेडो, एंड मैं पहले यहाँ पे यूज़ करूँ लोअर लिड में पिंक कलर, एंड आफ्टर दैट मैं उससे थोड़ा डार्क पिंक कलर सिर्फ आउटर लिड में मैं अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज इससे बहुत ही एक अच्छा ओम्ब्रे इफेक्ट आता है। एंड देन मैं ब्लैक आई शेडो लेके थोड़ा सा सिर्फ ब्लेंड कर लूँगी लोअर लिड में। सो इससे काफ़ी ज़्यादा स्मोकी लुक भी लगेगा, आईज डिफाइंड भी लगेंगे एंड काजल अप्लाई करने का भी कोई झमेला नहीं रहेगा। सो या इसे एक अच्छा लुक आता है। आप चाहो तो इफ़ यू आर कंफर्टेबल देन यूज़ काजल, बट मुझे हर वक्त काजल यूज़ करना अननेसेसरी लगता है, सो आई डोंट। एंड देन मैं मस्कारा से ही अपना आईब्रो को सेट कर लूँगी। सो ये बहुत अच्छा काम करता है। एंड देन मैं यहाँ पे ब्लश के लिए यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का माई ताई बाई यू अ ड्रिंक वाला ब्लश विच इज़ माई फेवरेट। एंड देन मैं यहाँ पे हाइलाइटर भी यूज़ करूँगी सेम फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड, जो कि मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। दिस इज़ इन द शेड प्रेशियस पेटल्स, हाई चिक पॉइंट्स, क्यूपिड्स पो, ब्रिज ऑफ द नोज, एंड ऑल्सो अपने इनर कॉर्नर्स पे एंड ब्राउ बोन में भी। देन मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर। एंड गाइज ये मेकअप फिक्सर इज़ जस्ट टू गुड, सो अफोर्डेबल एंड वेरी गुड। 15 to 20 मिनट्स बाद आपके फेस में एक ब्राइटनिंग ग्लो दे देता है एंड आई रियली लाइक इट। एंड यहाँ पे मैं लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम डियोर, एंड दिस इज़ देयर लिप इंक प्लमिंग लिप ग्लॉस। बहुत अच्छा लगता है ये मुझे, बहुत ही एक अच्छा फुलर लुक दे देता है लिप्स को। सो या एंड दिस इज़ हाउ माई लुक टर्न्ड अप। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ गाइज एक लाइक, कमेंट, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।